नमस्कार दोस्तों, पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। बड़ी बात यह है कि पूरे पश्चिमी देश को घेरा है, उसमें हरकंप मचा दिया है। अमेरिका, यूके, पूरे पश्चिमी देश यानी कि यूरोपियन यूनियन का क्या खासतौर पर प्रोपेगेंडा है, क्या उन लोगों का सोच है, सब कुछ जाहिर किया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसके बयान के बाद आप देखेंगे तो पूरे यूरोप के टीवी चैनल में अब एक ही डिबेट चल रहा है, भारत ने आखिरकार हमेशा बोला कैसे। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने ओपनली कहा कि ये सब तमाम चोर है, ये सब तमाम देश दूसरे को केवल खासतौर पे घिरना नजर देखता है, दूसरे को कमजोर चाहता है बना रहे, दूसरे से नफरत करता है और कभी भी किसी को समर्थन नहीं करता, किसी को मदद नहीं करता है। ये सब अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ता है, अपने फायदा के लिए है, और बाकी कुछ भी हो जाए तो सबको ज्ञान देने आ जाता है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने बहुत कुछ कहा, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस रणनीति को देखकर चाइना भी परेशान है। आखिरकार भारत ये बोल क्या रहा है? दोस्तों, चीन का थिंक टैंक बोल रहा है कि भारत ये कर क्या रहा है, पश्चिमी देश भारत का आज मित्र बना हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय विदेश मंत्री ने इतना बयान क्यों दिया? दोस्तों, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रहा है आखिरकार भारतीय विदेश मंत्री ये कर क्या रहा है। आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। दोस्तों, आप जानते हैं आज इंडिया टुडे ने खासतौर पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इंटरव्यू लिया। दोस्तों, इस इंटरव्यू में बहुत सारे मुद्दे उठा, खासतौर पर क्वाड के बारे में, चीन के बारे में बहुत कुछ मुद्दा उठा, लेकिन एक मुद्दा पूछा गया उनसे पूछा गया, यानी कि विदेश मंत्री से पूछा गया कि ये बताइए, वर्तमान में इंडिया का जो इमेज है पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, खासतौर पर तमाम रिपोर्ट छप रहा है, तमाम थिंक टैंक हो या फिर बड़े बड़े संस्था हो रिपोर्ट छप रहा है। उनका कहना है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो रहा है, लोकतंत्र यहाँ पे कमजोर हो रहा है, लोगों को जीना हराम हो रहा है, खासतौर पर अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है, और भारत में खासतौर पर हिंदूवादी कट्टरवादी हो रहा है, यहाँ पर आम लोग खासतौर पर दूसरे को खासतौर पर जय श्री राम का नारा लगवा रहा है। आखिरकार इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार भारत का जो इमेज बना हुआ है खासतौर पर 5-6 साल में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार आप तो विदेश मंत्री है, आप बताइए इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारा तो इमेज खराब हो रहा है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री ने ओपनली कहा कि देखो भैया, चाहे स्वीडन हो या फिर चाहे यूके हो या फिर चाहे कोई और हो, पश्चिमी देश हो, सिंपल सी बात समझ लो, इसे कभी भी भारत से कभी मित्रता नहीं रहा, यह केवल स्वार्थी है। स्वार्थी लोग हमेशा फायदे को सोचता है। और बड़ी बात तो यह है कि ये जो लोग बोल रहा है ना कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहाँ पे अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है, आम लोग पे खासतौर पर अत्याचार हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ दिखावा है, बकवास है। जब पूरे दुनिया में आज बुर्का को बैन किया जा रहा है, उस समय स्वीडन कहाँ गया, यूरोप कहाँ गया है? यूरोप में तो आज कई सारे देश बुर्का को बैन कर रहा है, यहाँ तक कि इस्लामिक को खासतौर पे बहुत कुछ कह रहा है, खासतौर पे इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहा है, यहाँ तक कि बोल रहा है कि हम मदरसा बैन करेंगे। हाल ही में श्रीलंका में क्या हुआ? यानी कि पूरे दुनिया खाली भारत को बदनाम क्यों करना चाह रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत में आम लोग शांति से जी रहा है, यहाँ पे सबको जीने का अधिकार है, और हम लोग हमेशा संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान का शपथ लेके आगे बढ़ते हैं, जबकि पूरी दुनिया हमेशा धार्मिक खासतौर पे बुक लेकर शपथ लेता है, और वही देश हमें ज्ञान देगा। दोस्तों, एस जयशंकर जी बहुत कुछ है, उसने कहा कि देखो भाई, वर्तमान में जब पूरे दुनिया में महामारी फैला था, उसमें क्या हुआ था? जो देश अपने आप को बहुत ही विकसित बोलता है, बहुत ही बड़ा बोलता है, बहुत ही सुंदर बोलता है, बहुत ही महान बोलता है, बहुत ही समझदार बोलता है कि हम बहुत ही आगे हैं सबसे, आखिरकार उसमें इंसानियत कहाँ गया था? इंसानियत क्या खत्म हो गया था? जब गरीब देश में खासतौर पर गरीबों को वैक्सीन का जरूरत था, गरीब देश चाहे अफ्रीकन कंट्री हो या फिर कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे एक वैक्सीन नहीं मिल रहा था, उस समय भारत सबसे आगे आया, भारत ने अपने लोगों को वैक्सीन दिया और तमाम देशों को भी दिया, खासतौर पर 70 देश में वैक्सीन भेजा, खासतौर पर 70 गरीब देश में वैक्सीन भेजा। भारत का ये क्या काम नहीं है क्या? उस समय आखिरकार अपने आप को बड़े बताने वाला देश कहाँ गया था? उस समय उसका इंसानियत मर गया था क्या? इन सब के अलावा भारतीय विदेश मंत्री ने यहाँ तक कहा कि देखिए, वर्तमान में जो हो रहा है यह सब एक षड्यंत्र है, यह सब एक साजिश है। दरअसल पहले यूरोप को हो या फिर पश्चिमी देश हो या फिर अमेरिका हो, यूके हो, सबका एक मोनोपोली था। मोनोपोली यानी कि सबको लगता था कि हम जो बोलेंगे भारत वही कर सकता है, हमारे दबाव भारत झुक जाएगा, हम जो कहेंगे वही करेगा, भारत का हिम्मत नहीं जो हमारा बात काट रहे। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है, आज का भारत क्या करता है, तमाम यूरोप से अलग हट के काम करता है, खासतौर पे उसके गेम से बाहर है, उसके खेल से बाहर है, वो जो रोज रोज गंदा गेम खेलता है, खतरनाक गेम खेलता है, उस गेम से, उस खेल से भारत बाहर है, इसीलिए सबको जलस हो रहा है और सब भारत को खासतौर पे बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि पहले क्या था, पहले भारत को जो बोलता था वो करता था, लेकिन आज का भारत अपना रास्ता बना रहा है, यानी कि अपने रास्ते चल रहा है, किसी से कुछ पूछता नहीं है, जो मन वही करेगा, जो उसे अच्छा लगे वही करेगा, और इसीलिए सब परेशान है, आखिरकार ये भारत कर क्या रहा है। दोस्तों, यही बात एस जयशंकर जी का, उनका कहना है कि इससे
हमें नुकसान नहीं होगा उनसे, खासतौर पर आने वाले समय में उन तमाम देश को नुकसान होगा जो खासतौर पर इतना बड़ा लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जब भारत में लोग सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी नहीं है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया के तमाम देश में आज खासतौर पर आम लोगों को खासतौर पर धर्म के नाम पर जोड़ा जा रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तमाम धर्म एक साथ रह के जीता है, तमाम धर्म आपस में भाई भाई है, लेकिन दूसरे देश में क्या हो रहा है। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि चाहे ग्रेटर थनबर्ग हो या फिर कोई भी हो, ये सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, उसका कुछ नहीं है, ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है और सब चाहता है कि भारत को झुकाए। अगर भारत को इस प्रकार से बदनाम करेंगे तो भारत सरकार झुक जाएगा और फिर हम जो बोलेंगे ऐसा होगा, लेकिन ये आज का भारत है, अब कुछ नहीं होगा, चाहे उसे जो करना है कर ले। दोस्तों एस जयशंकर जी ने और बहुत कुछ कहा। जब इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए वर्तमान में चाइना और भारत का रिश्ता कैसा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, दोस्तों जयशंकर जी ने साफ कहा कि देखिए चीन अगर हमसे दोस्ती करेगा तो हम भी अपना दोनों हाथ बढ़ाएंगे, उससे हम अच्छे से गले मिलेंगे, लेकिन चीन अगर बंदूक लेके आएगा तो उस पर हम बम फोड़ेंगे, यानी कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें चीन हरा नहीं सकता क्योंकि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। और ये अलग बात है, आज से 6 साल पहले हम बहुत ही कमज़ोर थे, उस समय अगर आमना सामना होता तो हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत नुकसान होता, लेकिन आज हम बहुत मजबूत हो गए हैं, जगह जगह सड़क बना लिए हैं, इसीलिए चाइना चिढ़ा हुआ है, परेशान है, और इसीलिए हमें रोकने का, हमें घेरने का और हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आज का भारत है, चीन में भी घुस सकता है, जिस प्रकार हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को ठोका था। दोस्तों एस जयशंकर जी ने साफ कह दिया कि चीन का जो भरम था, चीन का जो मोनोपोली था, उसे कोई रोक नहीं सकता है, भारत ने 2020 में वो खत्म कर दिया है और चीन आने वाले 30 साल 40 साल बाद भी अब ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। इन सब के अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप क्वाड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, दोस्तों उन्होंने ओपनली कहा कि देखिए ये क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, ये क्वाड किसी के खासतौर पर विद्रोह में नहीं खोला गया है, ये चार देशों का ग्रुप है जिसमें चारों का एक जैसा सोच है, यानी कि चार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह सेम सोच का लोग है, वहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था है और हम लोग चाहते हैं कि सेम सोच मिल के आगे बढ़े। और बहुत सारा मुद्दा है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो या फिर दुनिया में महामारी हो, हम लोग तमाम मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे, चाहे वैक्सीन हो, हर मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे। खासतौर पर कुछ देश जो डरा हुआ है, जैसे दोस्तों चीन के बारे में बोला, उनका कहना है कि कुछ देश बहुत डरा हुआ है, बार बार धमकी दे रहा है, उसके लिए मैं ओपनली बोलता हूँ कि आपके लिए नहीं है, आपको तो हम ऑलरेडी अकेले देख लेंगे, तो हम क्वाड क्यों बनेंगे, ये तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हम लोग क्वाड बनाए हैं, दुनिया को विकास करने के लिए, दुनिया में गरीबों को मदद करने के लिए और खासतौर पर एक तरफा किसी का इंडो पैसिफिक राज न हो, इसीलिए हम लोग ये क्वाड बनाए हैं, खासतौर पर चीन उससे टेंशन न ले, परेशान न हो। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो एक ही झटके में एस जयशंकर जी ने सबका पल खोल दिया और बता दिया कि आखिरकार यूरोप का सच्चाई क्या है। वो लोग पूरी तरह से दुगला नीति में काम करता है, अपना हमेशा गलत करता है, दूसरे को फंसाने का प्रयास करता है। जैसे अभी हाल में पूरे यूरोप में क्या चल रहा है ट्रेंड, बुर्का बैन करो, वहाँ पे मदरसा बैन करो, ये क्या है, यानी कि धर्म के नाम पे आखिरकार ऐसा क्यों है। दोस्तों एस जयशंकर जी साहब कह दिया कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें बदनाम किया जाता है, और विदेशों में कुछ भी हो जाए वहाँ पे कोई टोकने वाला भी नहीं है, इसीलिए वहाँ के तमाम संस्था खासतौर पर पैसा बिका हुआ है और वो जो चाहता है वही छपाता है,